अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं कहानी आंटी और आज की कहानी मैं आपको सुना रही हूं अपनी एक ऐसी दोस्त के बारे में जिनको नई चीज़ें देख के बड़ा तजस्सुस होता है, उसके बारे में और जानना चाहती हैं लेकिन उसकी वजह से कभी कभी बड़े अजीब वाकयात हो जाते हैं उनके साथ, और उनका नाम है मोमो। ये कहानी लिखी है ज़ोया ढाकम और ज़हरा नासिर ने और मुसव्विर हैं मशल खादिम। मोमो का मकनातीस। बाग में मिट्टी के ढेर के नीचे मोमो को मिला एक अजीब खिलौना, लाल और नीला। अपनी पूरी ताकत से मोमो ने उसे ज़मीन से बाहर निकाला। बड़ी मुश्किल से वो ले गई उसको घर, लेकिन फिर लगे उसके साथ होने हैरत अंगेज वाकयात। सेफ्टी पिन दराज से उड़कर बाहर आ निकली और चिपकी उसके खिलौने पर। टीचर के हाथ से स्केल भी छलांग लगाकर उससे जा लगा। संदूक की चाबी भी खजाने को छोड़कर उससे चिपक गई। बच्चे के मुंह से खाना छीनकर चमचा भाग आया। दर्जी की सुई भी धागा छोड़कर आ गई और अब्बू की पॉकेट से चवन्या भी खिलौने से जा लिपटी। मोमो हैरान परेशान हो गई। अम्मी हंसते हुए बोली, ये तो मकनातीस है जिसकी खसूसियत यह है कि ये लोहे और कुछ दूसरी धातुओं को अपनी तरफ खींचता है। अब वापस करो सबका सामान, अब कभी नहीं उठाऊंगी इधर उधर से चीजें अनजान। ये है मोमो की कहानी। अगर आपको लगती हैं हमारी कहानियां अच्छी और आप सुनना चाहते हैं और नई नई मज़ेदार कहानियाँ, तो फिर आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब का बटन क्लिक। तो कीजिए